मेरा नाम सर रमजान, मैं आपको उम्मीद मल्टीमीडिया चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का डे नंबर 50 का लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं टेस्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। हमने पहले जो फंक्शनल ग्रुप्स थे, पहले चार फंक्शनल ग्रुप, वो हमने इसकी स्टडी कर लिया। अब है आज हम इसके नेक्स्ट जो फोर फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनके जो टेस्ट हैं आज हम उनकी स्टडी करेंगे। बेसिकली आपका प्रैक्टिकल वर्क है, ये आपका ज्यादातर प्रैक्टिकल के अंदर यूज होता है। अब सबसे पहले आपका जो है आज का टेस्ट वो है डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, यानी कि आपने डिटेक्ट करना है कि आपके कंपाउंड के अंदर जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा ड्यूरिंग प्रैक्टिकल, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है या फिर नहीं है। अब इसके लिए हमारे पास बेसिकली दो टेस्ट होते हैं। सबसे पहले है सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। तो सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, 0.2 ग्राम या फिर 0.5 सेंटीमीटर क्यूब आपको जो एक गिवन कंपाउंड होगा, यानी कि जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा, उसका इतना सॉल्यूशन आपने 1 से 2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो आपको सोडियम बाइसल्फाइड का सॉल्यूशन मिलेगा उसके साथ आपने मिक्स करके उसको शेक करना है। शेक करने के बाद फिर आपको प्रेसिपिटेट जाहिर होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको जो सा है ये वाइट क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट जाहिर होगा, इसका मतलब है आपको जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जाएगा उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो वाइट कलर का क्रिस्टलाइन प्रेसिपिटेट शो नहीं करता तो इसका मतलब है कि वो एल्डिहाइड ग्रुप उसके उस कंपाउंड के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद सेकेंड है फिलिंग टेस्ट। फिलिंग सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास बेसिकली दो टेस्ट ट्यूब दी जाती है जिसके अंदर मुख्तलिफ सॉल्यूशंस डाले जाते हैं। अब इनके अंदर आपस में ऐड करके इनको अच्छी तरह शेक करके गर्म किया जाता है। अब गर्म करने से अगर तो ये प्रेसिपिटेट जाहिर करना शुरू कर दे तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इस जो हमारे पास एक फिलिंग सॉल्यूशन है, इस फिलिंग सॉल्यूशन के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। अगर वो हमारे पास रेड कलर का प्रेसिपिटेट शो नहीं करता तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद जो सेकंड टेस्ट है वो है कैटोनिक ग्रुप के लिए। इसके लिए हमारे पास पहला टेस्ट है फेनाइल हाइड्रोजाइन टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपने सबसे पहले एक चुटकी लेनी होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होता है उसकी एक चुटकी लेके आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब फेनाइल हाइड्रोजाइन सॉल्यूशन के अंदर लाके उसको मिक्स करना होता है। जब आप इसको अच्छे तरीके से शेक करते हो तो ये आपको प्रेसिपिटेट देते हैं। आपका प्रेसिपिटेट क्या होगा, ऑरेंज रेड कलर का। अगर आपके प्रेसिपिटेट के अंदर ऑरेंज रेड कलर प्रोमिनेंट हो जाए तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कैटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं है। उसके बाद जो हमारा सेकंड टेस्ट है वो है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, आपने 2 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन लेना है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का और इसके अंदर ऐड करना है आपने 2 या 3 ड्रॉप NaOH के, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के। फिर इसके अंदर आपने ऐड कर देना है जो आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन होगा, आपने वो ऐड कर देना है। ऐड करके जब आप इसको शेक करेंगे तो आपके पास रेड कलर का जो सा प्रेसिपिटेट जाहिर होगा, जिसका मतलब यह है कि आपके पास कैटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, अदरवाइज नहीं होगा। अब हमारे पास जो तीसरा टेस्ट है वो है टेस्ट फॉर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप। प्राइमरी अमाइनो ग्रुप के लिए हमारे पास कार्बाइल अमाइन टेस्ट होता है। पहले इसके अंदर आप 0 से 2 ग्राम गिवन कंपाउंड आप लेते हो, फिर इसके अंदर आप एक चीज ऐड करते हो जिसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं। क्लोरोफॉर्म बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड कहलाती है। उसके बाद फिर आप इसके अंदर 2.3 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहलिक पोटासियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हो, KOH यूज करते हो। अगर आपको इसकी अनप्लेजेंट ड्यूरेंट यानी कि नाखुशगवार बू जोन सी है वो अगर आप महसूस करते हो तो इसका मतलब है कि इसके अंदर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है। अगर आपके पास इसकी जो अनप्लेजेंट ड्यूरेंट है, अनप्लेजेंट खुशबू है आपकी, वो जाहिर नहीं होती, क्योंकि ये हमारे पास जो क्लोरोफॉर्म होती है वो बेसिकली एक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसका मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, जो ज्यादातर बेहोश करने वाली मेडिसिन के अंदर यूज होती है। अगर ये हमारे पास अनड्यूरेंट जो अनप्लेजेंट ड्यूरेंट है वो नहीं देती तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो प्राइमरी अमाइनो ग्रुप है इसके अंदर वो प्रेजेंट नहीं होगा। उसके बाद अब हमारे पास इसका लास्ट टेस्ट है जो ईस्टर्स के साथ होता है। ईस्टर्स हमारे पास खुशबू पैदा करने वाले या खुशबू वाले जो कंपाउंड्स हैं उनको कहा जाता है। अब ईस्टर्स को पहचानने का जस्ट यही तरीका है कि उनकी खुशबू के जरिए उनको पहचाना जाए, जिस तरह एसिटिक एसिड की यानी कि सिरके की एक स्पेसिफिक खुशबू होती है, इस तरह हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो स्पेसिफिक खुशबू जाहिर करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कौन से ईस्टर्स हैं।